कितनी मुश्किल होती है वैसे बॉडी बिल्डिंग? तो बड़ा मुश्किल है यार काम। मैं खुद एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे पता है कि क्या हालत होती है। डाइट वाला जो मरहला है वो बड़ा मुश्किल होता है, तो आपके लिए कैसा रहा? क्योंकि मैंने सुना था कि बचपन से लेके आप मीठा खाने के बड़े शौकीन थे, तो आपने कैसे डाइट को कंट्रोल किया? देखें, डाइट का इसमें सबसे बड़ा गेम जो है 70% या मैं कहूँगा कि 90% जो बॉडी बिल्डिंग या किसी भी फिटनेस के अंदर है वो डाइट का गेम होता है। तो देखें, जब आपको किसी चीज़ का शौक होता है तो आपको उसमें जुनूनी बनना पड़ता है, फिर आप इसमें जायका और ये सारी चीज़ें साइड में रख देते हो, फिर आपको सिर्फ एक टारगेट दिख रहा होता है आपके सामने कि मैंने ये करना है। इसमें कोई भी जायका फिर मायने नहीं रखता। और डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है क्योंकि ये कंपटीशन लेवल है, इसके लिए हमें बहुत सारी डाइट कुछ ऐसी करनी पड़ती हैं जिसमें एक आम आदमी नहीं कर पाता। कोई आम आदमी के लिए जो डाइट होती है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक नॉर्मल डाइट होती है। उसमें आप जैसे नॉर्मल पूरे दिन की कोई भी चीज़ होती है, फ्रूट्स खाएँ, ड्राई फ्रूट्स खाएँ, मिल्क पिएँ, होल व्हीट फ्रूट्स खाएँ, कच्ची सब्ज़ियाँ खाएँ, फ्रेश जूसेस पिएँ, तो ये तो हो गया हेल्दी लाइफस्टाइल जो सबको करना चाहिए, बड़े से ले बच्चे से लेके बूढ़े तक को। मगर एक आप बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग और कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग के अंदर, तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है।